नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल उर्मिलाज कॉर्नर में स्वागत है। आज हम लोग कुछ डिफरेंट तरीके से ये लटकन वाली फ़ोटो चूड़ी बनाएंगे। ये देखिए, फ़ोटो लगा करके चूड़ी बनाएंगे जो कि बहुत ही सुंदर दिख रहा है। इसे हम लोग ये करवा चौथ आ रही है उसमें बनाकर पहन सकते हैं, या फिर इंगेजमेंट हो या शादी हो उसमें हम लोग बना करके इसे पहन सकते हैं। ये देखिए, इसका लुक देखिए बहुत ही सुंदर आ रहा है। इसमें हम लोग डिफरेंट डिजाइन में, डिफरेंट कलर में इसे बना करके हम लोग पहन सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसे बनाते हैं। चलिए, इसमें हम यूज होने वाले मटेरियल्स को देख लेते हैं। इस तरह के हम प्लास्टिक की चूड़ी लेंगे। ये चौड़ी आप अपने अनुसार चौड़ी या पतली ले सकते हैं। इसे सिल्क थ्रेड यहाँ पर हम स्काई और ऑरेंज ले रहे हैं, और यहाँ पर हम इस तरह के कॉटन थ्रेड भी इसमें यूज कर सकते हैं। और इसमें इस तरह के कैप लेंगे हम। ये कटोरी के साइज में आती है, ये छोटी सी स्टोन है, इसी तरह के स्टार डिजाइन में स्टोन है, और ये मेटल की छोटी सी कटोरी है। यहाँ पर हम चीनी मोती लेंगे वाइट कलर की, और इस तरह का हम रिंग लेंगे। ये रिंग आप छोटी बड़ी अपने पसंद के अनुसार इसे ले सकते हैं। और यहाँ पर हम लेंगे ये रिंग साइज की, इसमें गोल है ये, इसके अंदर स्टोन, इसके बाहर स्टोन लगी हुई है, ये देखिए। और ये बॉल चैन, स्काई बॉल चैन, ये पर्ल चैन, और थोड़े बड़े साइज की मोती यहाँ पर स्काई और गोल्डन कलर की लेंगे। यहाँ पर ये सेलो टेप है, ये 1 से 1.25 इंची ये चौड़ी सेलो टेप लेंगे जिसमें कि हमारा फोटो कवर हो जाए। ये फेब्रिक ग्लू, और ये हमारा गोल फोटो है, इसे हम स्पेशली फ़ोटो को बनवाए हैं। ये हमारा 20 mm का फ़ोटो है गोलाई में। आप जितना बड़ा रिंग होगा उसके अनुसार हमें फ़ोटो को बनवा लेना होगा। और हम यहाँ पे लेंगे नीडल और कटर, और यहाँ पर एक कॉपी लेंगे, या फिर कॉपी की जगह पर हल्का सा मोटा एक गत्ता भी ले सकते हैं, और इस तरह की छोटी सी एक गत्ते का टुकड़ा लेंगे जिसमें इस तरह का हम उसे कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग कॉपी को लेंगे, और कॉपी पर इस सिल्क थ्रेड को 20 से 22 बार हम इसे लपेटेंगे। इस तरह से लपेटने के बाद हम यहाँ पर हल्का सा ग्लू लगाकर इसे चिपका लेंगे और यहाँ से कट कर लेंगे, तो हमारा एक लंबा सा ये थ्रेड तैयार हो जाएगा। इस तरह का हम 8-10 बना कर रख लेंगे, और इसे कैप में और चूड़ी में इसे रैप करेंगे। अब हम इस सूते से हम चूड़ी को रैप करते हैं। हल्का सा यहाँ चूड़ी के अंदर तरफ ग्लू लगा लेंगे, और थ्रेड को यहाँ पर चिपका लेंगे, और एक हाथ से थ्रेड को यहाँ दबाए रखेंगे, और दूसरी हाथ से उसे बिल्कुल टाइट करके लपेटते जाएंगे। इस तरह से हम इसे पूरे चूड़ी में लपेट लेंगे, और लास्ट में फिर हल्का सा ग्लू लगाकर इसे चिपका देंगे और थ्रेड को काट कर हटा देंगे। ये देखिए कितना अच्छा से हम चूड़ी को इस तरह से रैप किए हैं, बिल्कुल टाइट है ये। अब हम इसी तरह से कैप को भी रैप कर लेंगे, इसी तरह कैप के अंदर भी ग्लू लगा देंगे और थ्रेड को चिपका कर इसी तरह से इस होल में डालकर इसे निकालकर चारों ओर से रैप कर लेंगे। और फिर लास्ट में अंदर की तरफ हल्का सा ग्लू लगाकर थ्रेड को चिपका लेंगे और थ्रेड काटकर हटा देंगे। चलिए अब टसल बना लेते हैं। टसल बनाने के लिए हम यहाँ पर ये जो चीनी मोती है इसे हम इस सुई से गूंथेंगे, लेकिन अगर ये इसका होल छोटा है तो इससे हम नहीं गूंथ पाएंगे, तो यहाँ पर हम ये इलेक्ट्रिक वाली वायर की एक तार लेंगे और उससे हम फटाफट से इस मोती को गूंथ लेंगे।
इस थ्रेड में हम कम से कम 50 से 60 मोती इसमें डालेंगे। और अब इसे इस गत्ते पर इस तरह रखते हुए इसे लपेटेंगे और एक मोती हम इस होल के उस तरफ और एक होल के इस तरफ रखेंगे। एक दो गैप हम इस तरह से भी बिना मोती के भी इसे लपेट लेंगे और उसके बाद फिर इसे मोती डालकर दोनों तरफ एक एक मोती करके इसे लपेटते जाएंगे। इसे भी करीब हम लोग 70-80 बार लपेटेंगे। इसे लपेटने के बाद इस तरह से सुई से हम इसके बीचों बीच इसे बांध देंगे और इस थ्रेड को काटकर हटा लेंगे। अब इसे धीरे से इसे निकाल कर और इसे इस तरह से टाइट करके और इस तरह मोड़ लेंगे। मोड़ने के बाद इसे हम इसी थ्रेड से इसे इस तरह गांठ लगाकर टाइट कर देंगे। ये हमारा टेसल बनके रेडी हो गया। ये जो हमारा कटोरी था जिस पर हम लोग थ्रेड को लपेटे थे उस पर अब हम लोग डिजाइन करते हैं। तो सबसे पहले इस पर ग्लू लगाकर एक किनारे में इसके किनारे किनारे पर्ल चैन को लगा देंगे। इसे अच्छी तरह चिपकाकर बराबर कर लेंगे और उसके बाद ग्लू लगा करके स्टोन को चिपका देंगे। अब हम इसे सूखने के लिए रख देंगे। अब हम चूड़ी पर भी डिजाइन बना लेते हैं। तो सबसे पहले ग्लू लगाएंगे और ये जो स्टार वाली हमारी स्टोन है उसे लगाएंगे और ग्लू लगाकर फिर से गोल्डन बॉल चेन को लगा देंगे, फिर स्काई चेन को, और फिर गोल्डन बॉल चेन को, और फिर से स्काई चेन को इस तरह लगा करके इसे कंप्लीट कर देंगे। और इसी तरह के इसमें अपने मनपसंद के अनुसार 5-6 या जितने मन हो उसमें इसमें हम बना लेंगे। अब हम लोग फोटो को वाटरप्रूफ बनाने के लिए इसके ऊपर सेलो टेप चिपका देंगे। और इसके साइज में गोल करते हुए इसे कटिंग कर लेंगे। इसे इसकी गोलाई में काट लेंगे। लटकन को बनाने के लिए हम यहाँ पर सिल्क थ्रेड को 6 टाइम ले लेंगे या फिर हम इस कॉटन के थ्रेड को भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इस थ्रेड में इन सभी को गूंथ लेंगे। सबसे पहले टेसल को लगाकर थ्रेड से इसे बांध देंगे, उसके बाद कैप को लगा देंगे और ये रिंग बारी बारी से रिंग और मोती को लगाते जाएंगे। ये हमारा 6 थ्रेड है, इसे हम हाफ करके चूड़ी के ठीक बीचों बीच रखकर इसे हाफ हाफ कर लेंगे और दोनों तरफ थ्रेड को चिपका देंगे। और फिर इस थ्रेड को इस चूड़ी में ही रैप कर लेंगे।
दोनों तरफ से थ्रेड को लपेटने के बाद इसमें ग्लू लगाकर और थ्रेड को चिपकाकर बाकी के थ्रेड को काट कर निकाल लेंगे। अब हम इस रिंग पर फोटो को चिपकाएंगे, तो इस थ्रेड पर ग्लू लगा लेंगे और फोटो को इसके अंदर लगाकर इसे चिपका लेंगे। दूसरी तरफ भी फोटो और थ्रेड दोनों पर ग्लू लगाकर इसे इस तरह से चिपका लेंगे और इसी तरह से हम अपना दूसरा पीस भी रेडी कर लेंगे। तो ये हमारा लटकन चूड़ी बनके तैयार है। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ये और कितना सुंदर बना है। इस लटकन चूड़ी की पार्ट टू वीडियो बहुत ही जल्द आने वाली है, तो आप सभी उसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और अगर आप सभी को हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आप सभी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि हमारा आने वाला अगला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।